brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारतीय वायुसेना की गाड़ी पर हमला करकर आतंकियों ने सबसे बड़ी गलती कर दी और उससे भी बड़ी गलती पाकिस्तान ने की, अपने पूर्व कमांडर को भारत में आतंकी बनाकर भेजकर, क्योंकि भारतीय सेना ने एक पल के लिए भी पूंछ के जंगलों को नहीं छोड़ा। नतीजन पूंछ के जंगलों में 7 दिनों से फंसे आतंकी अब सेना की रडार पर है। सेना और आतंकियों के बीच खराब मौसम के चलते भी मुठभेड़ शुरू हो गई। जम्मू के पूंछ में बिगड़े मौसम के बीच पूंछ की सुरनकोट तहसील के सनई टॉप, उधमपुर के बसंतगढ़ सहित बाकी इलाकों में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान को तेज कर रखा है। आतंकियों की हर पल की हरकत पर सेना की नजर है और यही कारण है कि 7 दिनों के बीत जाने के बाद भी भारतीय सेना के सर्च ऑपरेशन में रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। ज्यों के त्यों ये सर्च अभियान लगातार जारी है। आतंकियों की हर हरकत पर सेना की नजर है। 7 दिनों से झाड़ियों में, जंगलों में छुपे आतंकियों को कहीं छिपने की और भागने की जगह तक नहीं मिल रही। नतीजन सनई टॉप में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ शुरू हो गई। पूंछ के इन्हीं जंगलों में पाकिस्तान से आया वो पूर्व कमांडर भी मौजूद है, जो आतंकी बनकर इस समय भारतीय सीमा में दाखिल हो चुका है। दोनों ओर से गोलीबारी भी हुई है। पुलिस एसओजी सीआरपीएफ सेना के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर रखी है। बड़े स्तर पर ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना ने कसम खाई है कि जब तक आतंकियों को अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक पूंछ के इन जंगलों को छोड़कर नहीं जाएंगे। नतीजन पूंछ के इन जंगलों पर लगातार सेना की पहरेदारी है। पुलिस एसओजी सीआरपीएफ सेना लगातार इस इलाके की निगरानी कर रही है। मौसम का मिजाज बदला लेकिन सेना का हौसला नहीं टूटा। बदले में आतंकियों की हिम्मत अब जवाब दे रही है। जंगल से बाहर आने के लिए बेताब आतंकियों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। बिल में छिपकर बैठे आतंकी चूहों का इंतजार बाहर खड़ी सेना कर रही है। घात लगाकर आतंकियों पर हमला करने की तैयारी में सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं। एक मौके का इंतजार सुरक्षा बलों को है और जैसे ही आतंकियों की तरफ से पहली गलती होगी, उसी वक्त सुरक्षा बलों के हाथ में आतंकियों की गर्दन होगी, जिसे तोड़कर भारतीय सेना तोहफे में पाकिस्तान को सौंपेगी। बता दें, सुरक्षा बलों की तरफ से बसंतगढ़ और डूडू के पहाड़ी क्षेत्र और जंगलों को खंगाला जा रहा है। अब तक कोई सुराग तो नहीं मिला, लेकिन तलाशी अभियान में जरा बदलाव नहीं आया है। पुलिस समेत सेना के आला अधिकारी मौके पर लगातार मौजूद हैं। हर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कई पुलिस अधिकारी बसंतगढ़ के जंगलों में डेरा डाले हुए हैं। सेना के जवान, सीआरपीएफ, एसओजी, पुलिस, हर कोई चप्पे चप्पे को खंगाल रहा है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। कोशिश यही है कि आतंकियों की धरपकड़ जल्द से जल्द की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।